हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है आरके मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको अंकेक्षण से संबंधित एक चैप्टर है, अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र। इस चैप्टर में पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरी वीडियो को देखिए, जो वो मैं व्हाइट बोर्ड पर अपने लिखूंगा तो उसको अपनी कॉपी में भी नोट करिए, पेपर में आता है। चैप्टर का नाम कहता है अंकेक्षक का प्रतिवेदन। अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र। अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र, आपको इसके पहले बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे। तो अंकेक्षक का मतलब होता है जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटिंग की डिग्री प्राप्त कर लेता है उसे अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री प्राप्त कर लेता है पढ़ाई लिखाई करके, उसे अंकेक्षक कहते हैं, इंग्लिश में ऑडिटर कहते हैं। व्यक्ति को ऑडिटर बोला जाता है उसके द्वारा जो काम किया जाता है उसको अंकेक्षण बोला जाता है, ऑडिटिंग बोला जाता है। ये सारी चीजें हमारे पास बुक है, बुक की मदद से हम पढ़ाते हैं। एक बुक ए है, एक बुक और है इंग्लिश में SBPD राजीव बंसल की है। इसमें कहा गया है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142(2) के अनुसार, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142(2) के अनुसार, और 142 की धारा 3 भी कह सकते हैं, 42 की धारा 3 भी। देखो भैया, धारा याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो और अच्छी बात है। तो कहा गया है एक अंकेक्षक को अंकेक्षण का कार्य समाप्त करने के बाद एक अंकेक्षक को अंकेक्षण का कार्य समाप्त करने के बाद कंपनी के लेखों, देखो कंपनी के लेखों जैसे लाभ हानि विवरण, आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि विवरण, आर्थिक चिट्ठा आर्थिक चिट्ठा
तथा उसमें संलग्न प्रपत्रों के संबंध में, तथा उसमें संलग्न प्रपत्रों के संबंध में प्रतिवेदन देता है। फिर से जानकारी के लिए बता दें, एकदम सिंपल भाषा में अंकेक्षण का प्रतिवेदन मतलब होता है ऑडिटर की रिपोर्ट, अंकेक्षण की रिपोर्ट। भाई कोई जांच करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, तो क्या जांच करता है? लाभ हानि विवरण जांच करता है। कोई कमी दिखती है तो उसके पहले भी जांच करेगा। लाभ हानि विवरण का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के लाभ व हानि के विवरण को जान करेगा। बैलेंस शीट में असेट्स दी रहती है, लायबिलिटीज ही रहती है, इनकी जांच करेगा ना। उसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट में क्या करता है, संलग्न करता है। संलग्न का मतलब होता है रिपोर्ट में नत्थी कर देता है इन लाभ हानि विवरण और आर्थिक चिट्ठे में क्या संलग्न कर देता है, रिपोर्ट। अगर कोई कमी है, कोई त्रुटि है, कोई टिप्पणी लिखनी है, तो यही होता है अंकेक्षण रिपोर्ट। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया जाए, आप हमारे यहाँ आइए, हमारा ट्रेडिंग पीएल यानी कि लाभ हानि विवरण स्टेटमेंट आप प्रॉफिट लॉस चेक करिए, बैलेंस शीट चेक करिए, उसके बाद क्या करेंगे आप, रिपोर्ट कुछ बना करके दे देंगे, वही है अंकेक्षण रिपोर्ट। आपको ध्यान देना, इसमें कहा गया है कंपनी के साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी की सभा होती है साधारण सभा, वार्षिक सभा, असाधारण सभा। तो अंकेक्षण की रिपोर्ट कब कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाता है। अतः अंकेक्षण कार्य समाप्ति के पश्चात अंकेक्षक एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। मतलब कि अंकेक्षण कार्य समाप्ति के बाद, अंकेक्षण का कार्य जब समाप्त होता है, अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट क्या करता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी को अंकेक्षण की रिपोर्ट कहते हैं, इतना लिख लो बस, इसी को अंकेक्षक की रिपोर्ट कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं ना। सामान्यतः अंकेक्षण अपना प्रतिवेदन कंपनी के सचिव को देता है। लिखना है जो जो मेन मेन टॉपिक उसको लिख लीजिए, याद रहे। किसको देता है, रिपोर्ट अंकेक्षक के सचिव को देता है। किसको देता है, अंकेक्षक के सचिव को देता है, ठीक है। उसकी प्रतिलिपि साधारण सभा की तिथि से, उसकी प्रतिलिपि
साधारण सभा के सभी सदस्यों को 21 दिन पूर्व सौंपी जाती है। 21 दिन पूर्व जो सदस्य होते हैं उनको सौंपी जाती है, भेज दी जाती है। ठीक है, रिपोर्ट पर अंकेक्षक के हस्ताक्षर होते हैं। ये सब सामान्य बातें हैं, इसको लिख लीजिए। आपको लिखना है अंकेक्षण की विशेषताएं। ठीक है, ठीक है, आपको यहां पर ध्यान देना है विशेषताएं। विशेषता क्या होती है? पहला, प्रतिवेदन अंकेक्षण द्वारा जांचे गए कार्यों का, जो प्रतिवेदन कौन देगा, संक्षिप्त विवरण है, रिपोर्ट कहेंगे, रिपोर्ट लगाएंगे ना, सुनते होंगे। आदमी आएगा, अधिकारी आएगा, जांच करेगा, जांच करने के बाद संक्षिप्त रूप में लिखता है, संक्षिप्त विवरण है क्या, प्रतिवेदन की रिपोर्ट, अंकेक्षक की रिपोर्ट संक्षिप्त विवरण है। दूसरा, प्रतिवेदन अंकेक्षक के निष्कर्षों को भी स्पष्ट करता है, निष्कर्षों को भी स्पष्ट करता है। उसके बाद तीसरा आपको लिखना है तथ्यों के साथ साथ, मतलब तथ्य बताता है, फैक्ट बताता है, तथ्यों के साथ 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 सुझाव देता है, राय देता है, मशवरा देता है। चौथा नंबर, प्रतिवेदन पर यानी कि अंकेक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी होते हैं। ठोस एवं संक्षिप्त सूचनाएं भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद छठा नंबर, स्वच्छ अंकेक्षक मतलब प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट, जो रिपोर्ट दिया जाएगा, ठोस एवं संक्षिप्त सूचनाएं प्रदान करता है। आपको सातवें नंबर पर ध्यान देना है, कहा गया है कि जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन, रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रतिवेदन, इंग्लिश में प्रतिवेदन, हिंदी में प्रतिवेदन, नियोक्ता को सौंपी जाती है। नियोक्ता को सौंपी जाती है, नियोक्ता का मतलब होता है जिसे रिपोर्ट किसको दी जाएगी, जो बुलाया रहेगा ऑडिटर, ऑडिट को, ऑडिटर को। ठीक है, उसके बाद वित्तीय
विवरण के संबंध में विचार है, विचार रखा जाता है। वित्तीय विवरण के संबंध में क्या रखा जाता है? विचार, क्या है उसके अंदर। जब चेक करोगे, चेक किया जाएगा, डाटा को खंगाला जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला लिखिएगा, प्रतिवेदन सत्यता की गारंटी नहीं है। क्यों भाई? जांच की जाएगी, जांच करने आते हैं ना अधिकारी, तो कोई जरूरी है कि सब सत्य होगा? असत्य भी होता है। किसकी जांच होती है? सत्यता व असत्यता की जांच होती है, असत्यता भी होती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो कह रहा है इतना लिख लीजिएगा, लाभ हानि विवरण की जांच होती है, बैलेंस शीट की इसके अंतर्गत जांच होती है। कह रहा है प्रतिवेदन की विशेष सामग्री, विशेष सामग्री को भी इसी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आगे आपको लिखना है प्रतिवेदन की विशेष सामग्री, आपको यहां पर बताना चाहते हैं सूचना। प्रतिवेदन की विशेष सामग्री में पहला है सूचनाएं व स्पष्टीकरण। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षक को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सूचना सही है कि गलत है, उसका स्पष्टीकरण। कोई भी डाटा हो, कोई भी सूचना हो, उसका स्पष्टीकरण करना पड़ता है। किसको? इन्हीं लोगों को, अंकेक्षक को, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहा है आवश्यक लेखा पुस्तक। आवश्यक लेखा पुस्तक का मतलब होता है अंकेक्षक को अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जिसका ऑडिट किया उसने, जिसकी जांच की उसने, उसने कौन कौन सी लेखा पुस्तकें रखी हैं। लेखा पुस्तक का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रखता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कैश बुक, लेजर बुक, बैलेंस शीट, ठीक है। आवश्यक पुस्तकें रखी गई हैं कि नहीं रखी गई हैं। तीसरा नंबर कह रहा है लाभ हानि विवरण व आर्थिक चिट्ठे के संबंध में, लाभ हानि विवरण व आर्थिक चिट्ठे के संबंध में। आपको पता होना चाहिए लाभ हानि विवरण का प्रारूप है, कंपनी का अलग प्रारूप होता है, किसी नॉर्मल बिजनेस का अलग प्रारूप होता है, बैलेंस शीट का भी प्रारूप है। नियम के मुताबिक अनुमान, नियम के अनुरूप रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं लाभ हानि व विवरण, इसके संबंध में भी सूचना होनी चाहिए। चौथा नंबर कहा गया है कि शाखा अंकेक्षण के संबंध में, ठीक है, शाखा अंकेक्षण के संबंध में कहा गया है कि यदि अधिनियम 2013 के अनुसार शाखा के खातों का अंकेक्षण किया गया है, यह अंकेक्षण स्वयं नहीं किया गया है, मतलब इसके पहले इसकी और ब्रांच भी हो सकती है, एक कंपनी है उसकी और ब्रांच हो सकती है, उसमें और कोई ऑडिटर काम किया होगा, इसके पहले जिसने ऑडिट किया होगा, जांच की होगी, उसका भी विस्तृत ब्यौरा देना पड़ता है, ठीक है। पांचवा नंबर है वित्तीय विवरण
के संबंध में कहा गया है कि अंकेक्षक को अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि लेखांकन प्रमाप, मतलब कि लेखांकन प्रमाप के अनुसार लेखे किए गए हैं कि नहीं। और आपको बता दूं, बुकों में, पुस्तकों में रोकड़ प्रवाह विवरण भी आता है, कैश प्रवाह रोकड़ प्रवाह विवरण भी आता है, कोष प्रवाह विवरण भी आता है, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आता है, ठीक है। छठा नंबर क्या कहता है, अवलोकन एवं टिप्पणी के संबंध में, जो टिप्पणी की जा रही है, टिप्पणी के संबंध में क्या है। उसके बाद खाते के रखरखाव के संबंध में, रखरखाव के संबंध में टिप्पणी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। निदेशक की अयोग्यता, जो कंपनी का निदेशक है के संबंध में भी, उसके बाद आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद और भी टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हाँ मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके बाद है अंकेक्षण प्रमाप के बारे में आगे बताएंगे। अंकेक्षण, अंकेक्षक के उत्तरदायित्व क्या होते हैं, प्रतिवेदन तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं, ये सारी चीजें भी हमें बताना है, इसको हम आगे बताएंगे आगे की वीडियो में।